नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलर एंगल इन डिग्रीज बिटवीन द प्लेन्स x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन एंड टू एक्स माइनस वाई प्लस टू जेड इक्वल टू जीरो इज. वैसे तो देखिए क्वेश्चन जो है गेट 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक नंबर के लिए गेट 2017 में जो एक नंबर का क्वेश्चन आया था उसमें ये क्वेश्चन अपने आप में मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स में पूछ सकते हैं, बट फिर भी इसको अगर कुछ लोग EMT के थ्रू लेते हैं कि EMT क्वेश्चन है तो भी चलता है क्योंकि वेक्टर के अंदर हम देखते हैं. बस फिलहाल फिर आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी प्लेन का आप नॉर्मल वेक्टर निकाल दीजिए, दो प्लेन जो कट कर रहे हैं उनके बीच में जो एंगल है वो आपको पता करना है. तो आप किसी भी प्लेन, ये जो प्लेन है इसका एंगल निकालिए, इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालिए, इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालिए और उन दोनों के नॉर्मल वेक्टर का बीच में जो एंगल बन रहा है वो निकाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा. अब देखते हैं कि कोई भी सरफेस है अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है. तो अगर आपको ये जानना है इसके लिए सीधा सा तरीका है कि इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है डेल एफ अपॉन मोड डेल एफ, सीधा सा डेल एफ अपॉन मोड डेल एफ. तो बस यानी कि आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि सर ये होता है अगर ये एफ वन फंक्शन था तो, या एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड ही रखते हैं इसको, प्लस डी था तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ये क्या होता है, ये आपका होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर. वैसे तो आपको बता दूँ यहाँ पे प्लस माइनस साइन दोनों लेते हैं, आपको एक सरफेस के दो नॉर्मल होते हैं, एक ये वाला और एक वाला, लेकिन अपन दोनों तरफ एक ही एंगल साइन ले लेते हैं ताकि हमारा काम आसान रहता है. तो हम ये बोल रहे हैं कि ये इसका अगर यूनिट नॉर्मल वेक्टर है तो बस जो पहला वाला सरफेस है उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी कुछ ए वन बी वन सी वन डी वन में जाएगा, दूसरा वाला ए टू बी टू सी टू डी टू में हो जाएगा. तो बस आपको बस पता चल जाएगा इससे कि सीधा सा कि यहाँ पर जो डेल एफ है, एक मिनट, आपको जो डेल एफ लेना है वो यहाँ पर निकालना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, ये कोई फंक्शन है, इसका डेल एफ आपको निकालना पड़ेगा सीधा. आप नहीं बोल सकते एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड कुछ ऐसा कुछ नहीं लेना है, अपन निकालना पड़ेगा इसका. तो कितना आना चाहिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पर देखते हैं तो सीधा सा ए डेल एक्स बाई डेल एक्स तो वन हो जाएगा, प्लस बी ए एक्स केप, या यूँ बोलो ए एक्स केप प्लस बी ए वाई केप प्लस सी ए जेड केप, ये आएगा ठीक है, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. डी का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स करेंगे तो वन, डेल बाई डेल वाई करेंगे तो वन, डेल जेड बाई डेल जेड करेंगे तो वन, और हमको पता है एक्स केप ए वाई केप ए जेड केप भी चल रहा है, तो ये डेल एफ है. तो सेम वही कहानी कर रहा हूँ. अब अगर ऐसे दो सरफेस ले लिया आपने तो ए वन बी वन सी वन बचेंगे, डी वन से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ऐसे ही दूसरा वाले का ए टू बी टू सी टू बचेगा. तो ये नॉर्मल वेक्टर है, ये पहले वाले का नॉर्मल वेक्टर है, दूसरा वाले का नॉर्मल वेक्टर है, उन दोनों के बीच में आपको पता है दो वेक्टर आपको मिल चुके हैं, तो उनके बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है. तो इसके लिए तरीका होता है थीटा इक्वल्स टू होता है हमेशा कोस इनवर्स, दो वेक्टर अगर है तो ए डॉट बी अपॉन मोड ए इंटू मोड बी, तो ये एंगल निकालने का तरीका होगा. तो आपको पता है कि अगर दोनों यूनिट नॉर्मल वेक्टर है तो ये पहले से ए अपॉन ए है, ये वेक्टर ए अपॉन ए है, वेक्टर बी अपॉन बी है, उन दोनों को बस डॉट मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, जैसे ये करका है आपके पास हिंट है और आप सीधा निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका एंगल, एंगल थीटा इक्वल टू 54.73 डिग्री. सो थैंक यू. इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. थैंक यू.